आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन विकसित और विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण की बातें जोरों से होती हैं। भारत में भी इस दिन को बेहतर उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र की उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। महिलाओं के उत्थान की बातें होती है, उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराया जाता है। साथ ही कई महिलाओं का समूह ग्रामीण तबके की महिलाओं को जागरूक करने का काम भी करता है। इस खास दिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी चलते हम आपको बताते चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देशन में फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सलोन विधायक दल बहादुर पुरी व जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, CDO अभिषेक गोयल, SDM सदर अंशिका दीक्षित, बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी कमला कांत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देशन में फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागी बालिकाओं महिलाओं को सम्मान के साथ साथ कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। S7 के लिए मैं गौरव देवी, अनुपम वाणी के साथ। जगत पर पानी ले चली।
कभी ब्रह्मा ने सरस्वती को नहीं मारा, कभी घरेलू हिंसा नहीं किया। लेकिन जो लोग आज घरेलू हिंसा करते हैं और शक्तियों को प्रताड़ित करते हैं, वो निश्चित उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हम उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी शक्तियों को सम्मान देने का काम करें। मेरे भाइयों, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हम लोगों ने दिया था, आज ये नारा सफल हुआ। एक दिन था कि जब घर में बेटा पैदा होता था तो घर में बधाइयाँ बजती थी, मिठाइयाँ बढ़ती थी, बेटी पैदा होती थी तो पूरे घर का मुंह लटक जाता, लगता था कोई बोझ पैदा हो गई, कोई आफत पैदा हो गई। यहाँ तक कि बेटियों को गर्भ में भी मारने का काम लोग करते थे, कुछ लोग तो पैदा होने के बाद मार देते थे, कभी उनकी प्रतिभाओं के बारे में नहीं सोचा था। वो दहेज के दानों में चिंता मुक्त होकर के बेटियों को मारने का काम करते थे, कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि बेटी को हम पढ़ा देंगे और उसे एसडीएम बना देंगे, आईएएस बना देंगे। तो शादी करने वाले तो एक नहीं एक लाख पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए शिक्षा के माध्यम से समाज को उठाने का काम किया जाना चाहिए और यही हम लोगों ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन व प्रेरणा में जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा था, उसके तहत आज यहाँ फिरोज गांधी ऑडिटोरियम हॉल में हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया व इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।